गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम ऑडिबल? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ओके ऑडिबल। थोड़ा सा पहले ना आज एक बार थोड़ा सिलेबस देखते हैं, ठीक है? ये है आपका कांगड़ा, ये है आपका सिलेबस यूनिट फर्स्ट। अब देखो हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, सर्वे स्टेशन, सर्वे लाइन। सर्वे स्टेशन क्या होते हैं, वो जो ए बी क्या चीज शेयर नहीं हुआ सर। ओके ओके ओके, शेयर नहीं हुआ। हाँ अब दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ तो यूनिट फर्स्ट में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स। सर्वे स्टेशन वो होता है जो ए बी सी, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है। सर्वे लाइन जो ए बी लाइन है। इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेंज, रेंजिंग रोड, इट्स मेथड, मेरिडियन, बेयरिंग, ये हो गया है मेथड ऑफ लेवलिंग, बुकिंग, रिड्यूस, रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब ये लेवलिंग आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो सोच रहे हो आपका कितना कम, एक महीने में कितना कम सिलेबस हुआ है अभी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है अपने आप में पूरा एक सिलेबस है। तो आज लेवलिंग स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कंपास का रह गया है, फिर लेवलिंग के बाद प्लेन टेबल और उसके बाद थियोडोलाइट। ये सारा मतलब यहाँ से लेवलिंग का सारा एक जैसा ही, इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया है बस, कि इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे करेंगे, इस मेथड से कैसे करेंगे लेवलिंग को, और दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई डाउट ना पूछे, ठीक है? तो देखो जो कंपास था उसमें एक तो दो चीजें आपने पढ़ी हैं, डिक्लिनेशन और लोकल अट्रैक्शन। डिक्लिनेशन होता है आपका अर्थ के खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो उसका ट्रू नॉर्थ है वो नहीं दिखाता कंपास हमें, बल्कि मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है, वो होता है डिक्लिनेशन। लोकल अट्रैक्शन होता है कि अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो उसकी निडल को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, और डिक्लिनेशन और ज़्यादा हो गया या कम हो गया है, वो है लोकल अट्रैक्शन। अब डिक्लिनेशन में एक टॉपिक था हमारा वेरिएशन एंड डिक्लिनेशन। अगर इसको वेरिएशन डिक्लिनेशन को आप नेट पे ढूंढोगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा सा और अजीब सा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको स्कैन किया है जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो वेरिएशन एंड डिक्लिनेशन, जो डिक्लिनेशन था हमारा, एक ईस्टर्न था और एक वेस्टर्न था, आपको याद होगा, ठीक है? तो ये जो डिक्लिनेशन है ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, डे टू डे, मंथली, ईयरली चेंज होता रहता है। उसी के बारे में थ्योरी में क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन एट ए प्लेस नेवर रिमेन कॉन्स्टेंट, चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दे आर फोर टाइप ऑफ वेरिएशन इन डिक्लिनेशन। टाइम टू टाइम ये चेंज होता है, चार टाइप के, एक डायर्नल, एनुअल, सेकुलर, इरेगुलर, ठीक है? जो फर्स्ट है ना आपका डायर्नल, इसका डी है, डी से याद रखना है, डे वाइज है, पर डे जो चेंज होता है, एक दिन के अंदर जो हमारा डिक्लिनेशन चेंज होता है, तो डी डायर्नल। तो डायनल वेरिएशन क्या कहता है, डायनल वेरिएशन कहता है फ्लक्चुएशन डेट ऑकर ड्यू टू ईच डे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज ड्यू टू रोटेशन ऑफ इट्स अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन 3 to 12 minutes। यानी कि अर्थ के अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने के कारण पर डे हमारा डिक्लिनेशन वेरी करता है 3 to 12 minutes, ठीक है? 3 to 12 minutes पता होगा आपको, 60 minutes बराबर 1 degree होता है। एक्सटेंट ऑफ डेली वेरिएशन डिपेंड अपॉन द फोर फॉलोइंग, द लोकेलिटी, आपका लोकेलिटी पे डिपेंड करता है डे वाइज जो आपका डायनल वेरिएशन है, मोर एट मैग्नेटिक पोल एंड इक्वेटर। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक पोल की तरफ जाओगे और या इक्वेटर की तरफ जाओगे तो वहां पे ज्यादा वेरिएशन पाया जाएगा। सीजन ऑफ द ईयर, गर्मियों में ज्यादा पाया जाता है और सर्दियों में कम पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है इसका रीजन जानने की हमें जरूरत नहीं है, ये याद रखना बस। डायनल वेरिएशन में डे वाइज वेरिएशन होता है 3 to 12 ड्यू टू रोटेशन ऑफ इट्स ऑन एक्सिस, और उसके चार आपके कारण है, लोकेलिटी, सीजन ऑफ द ईयर और टाइम। डे में ज़्यादा वेरिएशन होता है, नाइट में कम होता है, चेंजेस ईयर टू ईयर, और ये सब भी ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंट नहीं है कि समर में 1 degree होगा चेंज और विंटर में 2 आधा degree होगा, ये हर साल ऐसा ही होता है, ये चेंज होता रहता है ना। लोकेलिटी का भी चेंज होता रहता है, सीजन का भी, टाइम का भी, साल टू साल चेंज होता रहता है। तो ये होता है आपका डायर्नल वेरिएशन। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका एनुअल वेरिएशन, नाम से पता चल रहा है कि जो साल में वेरिएशन होता है, वेरिएशन विच हैज ईयरली पीरियड इज नोन एज एनुअल वेरिएशन। इट डिक्लिनेशन हैज अ ईयरली स्विंग अबाउट 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट होता है इसमें वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। तो सिंपल है, आपको चार वेरिएशन है, चार में से फर्स्ट है डायरनल, डी से होता है डे वाइज, फिर सेकेंड एनुअल ईयरली होता है 1 to 2 डिग्री, थर्ड आपका सेकुलर वेरिएशन, एवरी 100 ईयर और मोर मैग्नेटिक मेरिडियन स्विंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अपोजिट डायरेक्शन एंड हैज डिक्लिनेशन वेरीज। ये क्या कह रहा है कि हर 100 साल और उससे ज़्यादा में जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो स्विंग करता है फ्रॉम वन डायरेक्शन, अभी कुल अपोजिट चला जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे मिला, इसका एक एग्जाम्पल है, इसी को हम सेकुलर वेरिएशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, इन पेरिस द रिकॉर्ड शो ए रेंज फ्रॉम 11 ईस्ट, पेरिस में एक समय पे 1980 में जो डिक्लिनेशन नोट किया गया वो 11 ईस्ट था, लेकिन 1820 में लगभग कितने साल बाद, लगभग 140 साल बाद 22 डिग्री वेस्ट पाया गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपका सेकुलर वेरिएशन का, कि पेरिस में कंपास से हमने देखा कि डिक्लिनेशन जो है ट्रू नॉर्थ का 11 ईस्ट दिखा रहा है 1680 में, लेकिन 1820 में वो 22 वेस्ट हो रहा है, यानी कि जो उसके मैग्नेटिक मेरिडियन है वो अपोजिटली स्विंग हो गए 140 साल बाद। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब है आपका कि आपका जो वेरिएशन है ड्यू टू स्ट्रॉम, ड्यू टू अर्थक्वेक या क्लाइमेट कोई चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो गया, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप आज कंपास लेके फील्ड में गए, आपको पता है कि मैं इस प्लेस पे हूँ और यहाँ पे डिक्लिनेशन इतना होता है, पर वहाँ पे अर्थक्वेक या कोई स्ट्रॉम आ गया जिसकी वजह से डिक्लिनेशन बढ़ गया या कम हो गया, लेकिन उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस तरह के वेरिएशन को कहते हैं इरेगुलर वेरिएशन। तो चार तरह के हो गए डिक्लिनेशन, एक हो गया डायरनल, एक हो गया सेकुलर, एनुअल और इरेगुलर। बहुत सिंपल है, डी से डे वाइज, ए से एनुअल में ईयर वाइज, सेकुलर में 100 साल बाद, इरेगुलर का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई तूफान या क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक से जो वेरिएशन होता है। तो इन चार में कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है इन चार में? अरे कोई बताओ, कोई डाउट है या नहीं है? ना तो बोलो सर, सर आगे बढ़ाओ सर। ठीक है, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो कल बात हुई थी। एक ओपन ट्रेवर्स है, एक एग्जांपल है ओपन ट्रेवर्स का। ठीक है, ओपन ट्रेवर्स में हमें फोर बेरिंग बैक बेरिंग दी गई है। फोर बेरिंग ए बी लाइन की कितनी है, 140 डिग्री, अभी बस ये याद रखो 140 डिग्री, और उसकी बैक बेरिंग कितनी है 318। बी सी की कितनी है 60 डिग्री, और इसकी बैक बेरिंग है 240। इसी तरह सी डी की 125 है फोर बेरिंग और 302 है बैक बेरिंग, और डी ई क्योंकि ये क्लोज ट्रेवर्स नहीं है ओपन ट्रेवर्स है, तो डी से ई पे फिनिश हो गया है ना, तो इसकी बैक बेरिंग नहीं है, तो 150 डिग्री है इसकी फोर बेरिंग, गिवन नहीं है इसकी बैक बेरिंग। ठीक है, क्योंकि स्टेशन को हम ई पे ले ही नहीं गए। अब यहां पर तुम देखोगे डिफरेंस जो है बी सी में 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, इट मींस फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, all the reading taken from B and C are correct, यानी कि ये जो आपका 302 है ये correct है, sorry 60 degree correct है, 240 correct है, और 125 भी correct है। तो 125 में अगर आप
यहाँ पे दिया हुआ देखो 125 में अगर मैं 180 प्लस करूं तो 305 आती है करेक्ट बैक बेरिंग, यहाँ पे कितनी दी हुई है 302, यानी कि 3 डिग्री का एरर है। तो करेक्ट बेरिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैक बेरिंग ऑफ सी डी 305 और एरर कितना हो जाएगा 3 डिग्री का, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं तो ऊपर क्योंकि बी सी हमारी करेक्ट है, ठीक है, तो 318 करेक्ट है हमारी और 140 में 318 में से 180 माइनस करेंगे तो आ रहा है 138 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 140, यानी 2 डिग्री का यहाँ पे एरर है। तो ये भी करेक्ट हो गई और ये भी करेक्ट हो गई। और जब 302 डिग्री जो है आपका उसमें करेक्शन कितना है 3 डिग्री का, 3 डिग्री माइनस करना है, सॉरी 3 डिग्री प्लस करना है इसमें एरर। इसका मतलब जो डी ई से लिया गया है इसमें भी आपको 3 डिग्री प्लस करना होगा, ये 153 हो जाएगा। तो देखो बिना इंक्लूडेड एंगल निकाले इस तरह से, अब ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था समझाने के लिए कि हमने सॉल्व कर दिया और सारी ट्रू बेरिंग जो थी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग सारी हमने करेक्ट कर ली है। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछा, शायद किसी के मन में हो पूछ ना रहा हो, मैं बता देता हूं। याद करो जब इंक्लूडेड एंगल का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर कोई लाइन है आपकी सी और डी और इन दोनों की बैक बेरिंग फोर बेरिंग का डिफरेंस 180 आ रहा है तो सी से फॉरवर्ड आगे की ओर रीडिंग ली गई करेक्ट होगी और डी से भी आगे की ओर रीडिंग ली गई करेक्ट होगी और डी से पीछे की ओर रीडिंग ली गई करेक्ट होगी, यानी कि फोर बेरिंग ऑफ सी डी करेक्ट, बैक बेरिंग ऑफ सी डी करेक्ट और डी के बाद ई आएगा, यहाँ पे ई है, फोर बेरिंग ऑफ डी ई करेक्ट, ये मैंने कहा था कि 3 रीडिंग करेक्ट होगी। लेकिन जब हम सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें हम इंक्लूडेड एंगल के बिना हम निकाल रहे हैं, वहां पर एक चीज मैंने बताई कि ये वाली रीडिंग सी से बी की ओर जो रीडिंग ली गई है, यानी कि बी सी की बैक बेरिंग, इसको बोलेंगे हम बी बैक बेरिंग ऑफ बी सी, ये भी करेक्ट है। यानी कि अगर एक लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 है तो हमारे पास 4 रीडिंग आ रही है करेक्ट, एक ये 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 आ रही है करेक्ट सेकंड मेथड में। लेकिन इंक्लूडेड एंगल में मैंने इसको मना कर दिया था, है ना, इसको इसलिए मना किया था क्योंकि इस वाले मेथड में जिसमें हम केवल स्टेशन की रीडिंग करेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर ये स्टेशन करेक्ट है तो यहां से ली गई रीडिंग तो करेक्ट है, इस रीडिंग की हेल्प से हम यहाँ पर जो एक और बना होगा आपके स्टेशन से वापस यहाँ फोर बी ए रीडिंग ली गई होगी, ये क्या है बी सी की फोर बेरिंग ऑफ बी सी, है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, अगर मैं सी बी की बैक बेरिंग को करेक्ट मान रहा हूं और इसकी हेल्प से इसमें करेक्शन कर दे रहा हूं तो इसकी बैक बेरिंग और फोर बेरिंग करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला मेथड था ना, हम उसमें क्या कर रहे थे, हम उसमें इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से कर रहे थे, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। अब अगर मैं इसको करेक्ट मान लूं दो सेकेंड वाले इंक्लूडेड एंगल में, इसको भी मैं करेक्ट मान लेता तो, और फिर इंक्लूडेड एंगल भी करेक्ट था, मैं इसको निकालता तो उसकी वैल्यू करेक्ट नहीं आती। अगर ये मतलब इसको समझने की इतनी जरूरत भी नहीं है, बस ये समझो इंक्लूडेड एंगल का जो मेथड था उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल निकालते थे, थ्योरेटिकल सम निकालते थे, एरर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम, उसके बाद इंक्लूडेड एंगल करेक्ट वैल्यू आ जाती थी जिसमें एक करेक्ट वैल्यू लेते थे हम बैक बेरिंग या फोर बेरिंग और फोर बेरिंग निकाल लेते थे। लेकिन इस केस में हम जब टेबल बनाते थे तो जो जिस दो बेरिंग का डिफरेंस 180 है
उसमें केवल तीन चीजें करेक्ट होती थी, फोर बेरिंग ऑफ दैट लाइन, बैक बेरिंग ऑफ दैट लाइन एंड फोर बेरिंग ऑफ दी आगे वाली फॉरवर्ड लाइन का, ठीक है, तीन रीडिंग। लेकिन जब हम एंगल उसकी दो सेकंड मेथड की बात करेंगे तो चार रीडिंग आपको करेक्ट मान के चलनी है, क्योंकि हम उसकी जो फॉरवर्ड बेरिंग है, फोर बेरिंग है, वो उसको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ये दोनों स्टेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ तक आपका था कंपास सर्विंग, जिसमें टाइप ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास। उसके बाद है आपका डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन का वेरिएशन, लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन को रिमूव करने के दो मेथड है आपका, एक में इंक्लूडेड एंगल, एक विदाउट इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, और एक डिक्लिनेशन के ऊपर छोटा न्यूमेरिकल आता है, और आपका लोकल अट्रैक्शन के ऊपर एक बड़ा न्यूमेरिकल आता है। यहाँ पे आपका कंपास सर्वे खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं लेवलिंग में। लेवलिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सर्वेइंग का, इंटरव्यू के पर्पस से, एग्जाम के पर्पस से, जॉब के पर्पस से, ठीक है। तो देखो लेवलिंग होती क्या, सबसे पहले जो आपने आसपास की कंस्ट्रक्शन में एक येल्लो कलर का इंस्ट्रूमेंट ट्राईपॉड पे जो देखा होगा, लोग करते रहते हैं मेजरमेंट, वो लेवलिंग है, ठीक है, वही लेवलिंग है। लेवलिंग का मतलब क्या है, अभी ये इसके इसको छोड़ देते हैं हम सिलेबस को। लेवलिंग इज डिफाइंड एज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन अबाउ और बिलो द सरफेस। जब आपने देखा होगा कि भाई रोड बना रहे हैं, ठीक है, ये रोड है आपकी, अब इस रोड पे ये तो हमें देखना होगा ना कि रोड हमारी कहाँ से कितना स्लोप है, कहाँ से ऊंची है, कहाँ से नीची है। अभी रफ रोड है, इसके ऊपर अभी इनको मिट्टी डालनी है और चीजें, जो मटेरियल जो लेयर्स डलती हैं आपके रोड बनाने के, उसके बाद लास्ट में बिटुमिनस की लेयर डलनी है, वो सब डालना है। वो सब डालने से पहले से NS24 बन रहा है, वो सब डालने से पहले इस ग्राउंड को पता करना पड़ेगा किधर को स्लोप है। मान लो उसको रोड को सीधा बनाना है उन्हें, फ्लैट बिल्कुल, तो यहाँ पे मिट्टी भरनी पड़ेगी उन्हें, है ना, तो यहाँ कितनी भरनी पड़ेगी कैसे पता चले, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस ही पता होना चाहिए। तो ये कह रहा है द लेवलिंग इज डिफाइंड एज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन अबाउ और बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अगर हम लेवलिंग से ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पता कर लेंगे, फिर यहाँ पर भी पता कर लेंगे, यहाँ पर भी पता कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको ग्राउंड की प्रोफाइल पता चल जाएगी कि हमारा ग्राउंड यहाँ से ऊंचा, यहाँ से नीचा, यहाँ से ज्यादा ऊंचा, यहाँ से मिट्टी काटो, यहाँ से ज्यादा नीचा, यहाँ मिट्टी भरो, ठीक है। इस तरीके से हमें लेवलिंग करनी होती है। मान लो मिट्टी भरनी भी नहीं है आपका, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर रोड बिल्कुल ऐसे नीचे को जा रही है, कहीं कहीं का फिर रोड ऊपर को जा रही है ना, उसके रीजन होते कि मिट्टी भर के इसको पूरा फ्लैट क्यों नहीं कर देते भाई। हो सकता है नीचे जा रही है, इसके पास वाला जो एरिया है ना, इसके लेवल रोड के लेवल में हो, या इतनी ज्यादा हाइट होती मिट्टी ना भरी जाए, तो ये स्लोप भी एक ऐसा रखना पड़ेगा ना कि गाड़ी इस पर इजिली चला सके, चढ़ा सके, तो हमें हर पॉइंट की हाइट तो पता होनी चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट। मान लो आपका ये है रोड, बनाना कैसा है आपको, बनानी ऐसी है सीधी बिल्कुल, तो आपको जब इन पॉइंटों की हाइट पता होगी, रिलेटिव हाइट आपस में, तभी आप इसमें फिलिंग और कटिंग कर सकते हो और इसको एक स्मूथ सरफेस दे सकते हो। तो लेवलिंग यही है, लेवलिंग डिफाइन द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग, इसका डेफिनेशन याद कर लेना। रिलेटिव पॉइंट के बीच में जो रिलेटिव पॉइंट्स के सॉरी डिफरेंट पॉइंट के बीच में जो रिलेटिव हाइट पता करना, बिलो और अबाउ द अर्थ सरफेस, इसी को बोलते हैं हम लेवलिंग। प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, The principle of leveling is to obtain horizontal line of sight. ये आपका instrument होता है इस तरीके से, tripod के ऊपर रखा होता है, एक employee होता है जो staff, इस तरह का staff जिसके ऊपर reading होती है लेके खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है एक यहाँ पे surveyor होता है जो अपनी eye sight से देखता है ये horizontal line कहाँ coincide कर रही है, इस तरह से लेवलिंग होती है, यही इसका प्रिंसिपल होता है, लाइन ऑफ साइट को देखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग टू फाइंड द लेवलिंग एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम अज्यूम रेफरेंस कॉल्ड डेटम। ये पॉइंट बहुत आएगा आपको सुनने में, डेटम,
डेटम वो पॉइंट होता है जिसकी हाइट हमें पता होती है, एक रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जांपल आपका जो कॉलेज में स्टेडियम है उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ का चबूतरा बना हुआ है कंक्रीट का, ठीक है. तो आप जब ग्राउंड पे मेजरमेंट करोगे तो आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा. ये आपका स्टेडियम का ग्राउंड है और आपको इन पॉइंटों का रिलेटिव डिस्टेंस पता करनी है, लेकिन एक रेफरेंस किसके रेफरेंस में. ये आपका है ट्री, ठीक है. तो आपने ये वाला पॉइंट जो है इसको मान लिया रेफरेंस, कि इसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट की क्या हाइट है, तो इसी को बोलेंगे डेटम. डेटम एक ऐसा पॉइंट जिसका हाइट हमें नॉन हो, इसकी हाइट हमें पता हो, उसी को बोलेंगे हम डेटम. ये किसने सर, ये दीपांशु शर्मा सर अनम्यूट कर लिया इसने. दीपांशु शर्मा है सर, दीपांशु शर्मा. ठीक, तो डेटम आप समझ गए, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट जिसकी हाइट आपको पता हो, ठीक है. वैसे डेटम जो एक टेम्परेरी भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं. मीन सी लेवल आगे बताऊंगा क्या होता है, मीन सी लेवल कैसे लेते हैं. एस्टेब्लिश पॉइंट रिक्वायर एलिवेशन रिस्पेक्ट टू डेटम. थोड़े से वो हैं आपके टर्म्स हैं, लेवल सरफेस क्या होता है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं. जो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल आएगा ना आपको, 9 नंबर का आता है, 7 नंबर का, वो आपका लेवलिंग के ऊपर ही आता है. तो ये डेफिनेशन से कुछ ये याद होंगे तो उनको सॉल्व करने में इजी होता है. तो लेवल सरफेस, आपको मीन सी लेवल पता है, जो आपका समुद्र तल है उसका जो सरफेस है उसको बोलते हैं मीन सी लेवल. उसके पैरेलल में जो एक आपका स्फेरॉइडल सरफेस होगा उसी को बोलेंगे लेवल सरफेस. ये अर्थ है आपका, ये अर्थ का ये मीन सी लेवल है, समुद्र तल. और इसी के पैरेलल में अगर मैं एक और लेवल बना दूं, इसी को बोलेंगे हम लेवल सरफेस, लेवल सरफेस. नेक्स्ट है लेवल लाइन. इसके ऊपर जो लाइन होगी वो होगी लेवल लाइन. हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर जो भी प्लेन होगा इस सरफेस पे वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल लाइन, इस प्लेन के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. सिंपल सी डेफिनेशन है. यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बस सारी चीजों को मत देखो, ये देखो आपका मीन सी लेवल ये है, इसके पैरेलल में लेवल सरफेस ये है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका ये है. बस इन तीन चीजों को समझो. टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग, डेटम अभी बताया मैंने, इट इज आर्बिट्री लेवल सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट मे बी रिफर इन इंडिया मीन सी लेवल कंसिडर्ड डेटम ऑफ जीरो एलिवेशन इज सिचुएटेड कराची. देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, डेटम एक तो वो हो गया कि आप जिस ग्राउंड पे आप अगर सर लेवलिंग कर रहे हो, लेवलिंग का मतलब वहाँ के हर पॉइंट को आप पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस पता, हाइट पता कर रहे हो. अब आपको वहाँ पे मीन सी लेवल नहीं पता कि हमारा जिस ग्राउंड पे मैं लेवलिंग कर रहा हूँ वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे. तो आप अपने टेम्परेरी कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो परमानेंट वहाँ पे रहेगा उसको आपने डेटम मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है. जैसे कि आप कहीं रोड पे किसी इलाके पे लेवलिंग कर रहे हो, वहाँ पे कोई मंदिर है और मंदिर का जो कोई एक सरफेस उसको आपने रेफरेंस मान लिया, ठीक है. बट अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें कि पूरे इंडिया का अगर सर्वे लेवलिंग होने लगे या किसी बड़ी चीज का, किसी रोड का, किसी रेलवे स्टेशन का लेवलिंग होने लगे तो हम किसको मानेंगे, तो मीन सी लेवल को मानते हैं. तो मीन सी लेवल, अब समुद्र तो बहुत दूर है लेकिन हर 100 किलोमीटर पे एक हमारा मार्क होता है, एक बेंच मार्क होता है समुद्र तल से, ये वाला ग्राउंड इतनी हाइट पे, इतनी हाइट पे, इतनी हाइट पे. तो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे भी लिखा होता है कि रेलवे स्टेशन की जो ग्राउंड है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे. ये तो समझ गया आप कि एक तो टेम्परेरी डेटम आपने वहाँ पे आपको नहीं है कोई बेंच मार्क, तो आपने किसी परमानेंट स्ट्रक्चर को बेंच मार्क मान लिया. सेकेंड है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेंच मार्क है. थर्ड इसमें ये कह रहा है कि जो इंडिया का बेंच मार्क है वो कराची में सिचुएटेड है. ये गलत बात है, कराची में नहीं है. इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले कराची में था, ठीक है, लेकिन 1947 के बाद वो बॉम्बे में हो गया, ठीक है. बॉम्बे का जो समुद्र है वहाँ पे जो समुद्र लेवल है समुद्र का वो आपका
क्या है आपका मेन सी लेवल फॉर इंडिया, इंडिया में सारी हर ग्राउंड जो भी ग्राउंड है वो उसी लेवल के रेफरेंस में उसकी हाइट हम बताएंगे, ठीक है। तो कराची नहीं है, आप बॉम्बे हाई बोलोगे, बॉम्बे हाई बोलते हैं इसको, ये पीपीटी पता नहीं कराची क्यों डाला है, ठीक है। अब देखो समुद्र तल से ऊंचाई तो हर जगह हर 100 किलोमीटर मार्क लगा हुआ है, लेकिन ये समुद्र तल की ऊंचाई है क्या, मतलब जो समुद्र तल अगर शांत है, समुद्र में तो टाइड्स आती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, और आपने ये भी सुना होगा, कोई बताए मेरे को, कंफर्म करे, सुना है कि समुद्र का जो तल है, सरफेस है, वो उसकी हाइट अप डाउन होती रहती है, रात को क्या होती है बढ़ जाती है, दिन में कम होती है, सुना है किसी ने, और किसकी वजह से होती है ये भी बताओ। सुना तो है, पता नहीं है। अगर कोई गया होगा तो वहां देखना कि वहां पे है ना दिन में क्या होता है, हाइट कम होती है और रात को ज्यादा हो जाती है, वो होता है आपका मून के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। हम जो भी ग्राउंड है इंडिया में उसकी जो हाइट है वो रेफरेंस पॉइंट मीन सी लेवल लेंगे, लेकिन मीन सी लेवल तो कॉन्स्टेंट है नहीं, तो क्या होता है वो हम जैसे बॉम्बे का हम बता रहे हैं कि हम इंडिया में बॉम्बे के जो सी लेवल है उसको यूज करते हैं, तो बॉम्बे में समुद्र तल की जो लोवेस्ट डेप्थ है, लोवेस्ट डेप्थ मतलब जब लोवेस्ट उसका पॉइंट था समुद्र तल का, और जो हाईएस्ट था टाइड आने पे उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। उसका जो एवरेज होता है वही आपका मीन सी लेवल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इज द एवरेज हाइट ऑफ सी लिखा हुआ भी है, मीन सी लेवल इज द एवरेज हाइट ऑफ सी फॉर ऑल स्टेज ऑफ टाइड्स, इट इज ड्राइव्ड बाय एवरेजिंग द अर्ली टाइड हाइट ओवर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर, ठीक है। इसके बाद है एलिवेशन और रिड्यूस लेवल, ये बहुत ज़्यादा आपका यूज होगा, RL बोलते हैं इसको, RL आपका लैब में भी बहुत यूज होता है, RL निकालो और न्यूमेरिकल भी आते हैं, RL रिड्यूस लेवल, इट इज़ द हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो एनी डेटम इज डिनोटेड बाय RL। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे A, ये पॉइंट है A, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये है आपका बेंचमार्क या डेटम, इस डेटम के रेफरेंस में इस ए पॉइंट की कितनी हाइट है, कम है कि ज्यादा है, उसी को बोलते हैं RL, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी, बेंचमार्क, ए फिक्स रेफरेंस जो मैंने बताया था ना आपको, या तो आपके पास मीन सी लेवल पता है आपको, या फिर आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या फिर कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर रेफरेंस के लिए कोई पॉइंट को एज्यूम कर ले तो डेटम, उसी को बोलते हैं बेंचमार्क। लाइन ऑफ कोलिमेशन, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसमें एक इस तरह का लेंस होता है, और यहाँ पे जो एक लेंस यहाँ पे लगा होता है और बीच में भी काफी लेंस होते हैं, इस वाले लेंस पे एक क्रॉस हेयर बना होता है, क्रॉस हेयर होता है प्लस का मार्क, ठीक है, प्लस का मार्क, उसको एक लाइन होती है प्लस की पतली सी लाइन, जब हम जो एक स्टूडेंट या एक सर्वेयर एक स्टाफ लेके दूर खड़ा होता है और आप टेलीस्कोप से देखते हो, जो आपने देखा है फील्ड में कि येलो कलर का टेलीस्कोप है इंस्ट्रूमेंट है, उससे आई से आप देख रहे हो, तो आई से क्या देखते हो, वो जो दूसरा बंदा स्टाफ लेके खड़ा है उस स्टाफ पे जो रीडिंग्स हैं उनको देखते हो, तो उनको देखोगे तो लेंस में तो ऐसे दिखाई देंगी जैसे कि पेंट में बताए, जैसे कि ये है वो स्टाफ जो लेके खड़ा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे मार्किंग है। अब लेंस से आप जब देखोगे ना तो लेंस से तो इतना एरिया दिखाई देगा, इतना एरिया दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें से कौन सा पॉइंट लोगे, आप इसमें से वो वाला पॉइंट लोगे जो क्रॉस हेयर जो है आपका उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, और वर्टिकल लाइन क्या होनी चाहिए इसके बीच में, स्टाफ के बीच में, तो रीडिंग क्या हो जाएगी हमारी, रीडिंग ये वाली रीडिंग हो जाएगी, दिखाई तो इतना पार्ट रहा है लेकिन लेंगे कौन सी रीडिंग, जो क्रॉस हेयर है ब्लैक कलर की लाइन है प्लस का मार्क है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन स्टाफ की हॉरिजॉन्टल लाइन से कॉन्साइड हो रही है, और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 1 मीटर, तो रीडिंग हो गई 1 मीटर, ठीक है, इस तरह से रीडिंग देखते हैं। तो इस क्रॉस हेयर का क्यों मैं बता रहा हूँ,
इसमें आया है एक टर्म लाइन ऑफ कोलिमेशन। फिर मैं तो आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ कोलिमेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं होती अगर आप लैब में एक बार चले जाते, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है कि जो आपका टेलीस्कोप है उसके जो लेंस के ऊपर क्रॉस हेयर है प्लस इस टेलीस्कोप का जो आपका सेंटर लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, इससे क्रॉस हेयर से कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, फिर आपको रीडिंग सही नहीं दिखेगी। लाइन ऑफ कोलिमेशन की डेफिनेशन आ सकती है केवल, और आपको जो डेफिनेशन बताई है यही आपको लिखनी है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज द एलिवेशन ऑफ लाइन कोलिमेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम, ये भी मैं बता देता हूँ जरा आपको पेंट में। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन है जो मैंने बताई अभी, ये ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ट्राइपॉड ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी वो ये वाली होगी, लाइन ऑफ कोलिमेशन से ग्राउंड के बीच तक की, इसी को बोलेंगे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्योंकि रीडिंग तो हमारी इसी पॉइंट से ली जाएगी ना, यहीं पे क्रॉस हेयर होगा जो हमारा स्टाफ पे कोइंसाइड करेगा। बैक साइड, इट इज अ स्टाफ रीडिंग टेकन इज नोन एज एलिवेशन, इज द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर द सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको भी पेंट से समझाना पड़ेगा, दो तीन चीज समझाता हूँ। आपने कंपास में एक चीज पढ़ा, बैक बेरिंग और फोर बेरिंग। बैक बेरिंग क्या होती थी कि जो फोर बेरिंग है उसी को हम दोबारा देख रहे हैं दूसरी साइड से, वो बैक बेरिंग हो गई। तो जब लेवलिंग का आता है, लेवलिंग क्योंकि हम ऑटो लेवल या कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उससे कर रहे हैं, कंपास से नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी आते हैं टर्म बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड। कौन कौन सा आता है? बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, और एक आता है आपका सीपी, चेंजिंग पॉइंट। ये चार टर्म्स आते हैं, इनको समझ लो। ये है आपका ग्राउंड, आपको यहाँ पे लेवलिंग करनी है, यानी कि ग्राउंड के हर पॉइंट का आपको, पॉइंट के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है, हाइट है, वो पता करनी है। आपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा ए पर, ए पर ट्राइपॉड लगाया ए पॉइंट पे, और इसके ऊपर है आपका इंस्ट्रूमेंट, और बी पॉइंट पे क्या हुआ, बी पॉइंट पे स्टाफ लेके खड़ा हो गया एक दूसरा एम्प्लॉई, और यहाँ से आपने रीडिंग देखी, ठीक है, और एक बार यहाँ पे खड़ा हो गया स्टाफ लेके, ये है ओ पॉइंट, और आपने इसको भी रीडिंग देख ली, ठीक है, और एक बार स्टाफ लेके वो यहाँ पे खड़ा हुआ, और यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट वहीं पे एक पॉइंट पे, और यहाँ पर भी रीडिंग देख ली, ठीक है। इस तरह से ये तो होती है लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसका बेटर डायग्राम अगर इसमें बना हो तो मैं इसे बता देता हूँ। फोर साइट, बैक साइड, मैं कोई ऐसी इमेज देख रहा हूं जिसमें इंटरमीडिएट साइड भी हो, है ना, तो बैक साइड फोर साइड तो पता ही चल जाएगी, इंटरमीडिएट। चलो इसमें नहीं आ रहा है सही से, इमेज में सी बता देता हूँ, तो हम एक एक करके डिस्कस करता हूँ। बैक साइड, बैक साइड वो साइड होती है जिसका आपको हाइट पहले से पता है और आप उसको दोबारा देख रहे हैं, ठीक है, उसका आर एल, हाइट नहीं बोलेंगे इसमें, आर एल बोलना है, जिसका आर एल आपको पता है और उसको आपको दोबारा देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बैक साइड। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ओ पॉइंट है, जो हमारा ओ पॉइंट है वो एक बेंच मार्क है,
ठीक है। बेंचमार्क वो मार्क होता है जिसकी आपको हाइट पता होती है ग्राउंड से। तो बेंचमार्क अगर ये बेंचमार्क है और इसकी हाइट हमें पता है कि यहाँ पे कितनी है और उसको आप दोबारा ए पॉइंट से देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बैक साइड, ठीक है। अब आपने इसको देखा, ए पे इंस्ट्रूमेंट है, उससे बी पे देखा और सी पे देखा। सी पे देखने के बाद आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया वहां से। अब आपने कहां रखा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट रखा आपने डी पॉइंट पे, और आपका स्टाफ है अब ई पॉइंट पे, सॉरी रफली बना रहा हूं, ठीक है। तो जिसका बेंचमार्क है, जिसका आरएल रिड्यूस लेवल आरएल होता है आपका बेंचमार्क से उसका हाइट, ठीक है। तो बेंचमार्क की तो पता ही है, तो बेंचमार्क का जो फर्स्ट ओ पे जो स्टाफ रखा हुआ है उसकी तो रीडिंग हमें पता है, तो उसी को हम जब ए पॉइंट से देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, तो हो गया बैक साइड, ठीक है। और हमारी लास्ट रीडिंग कौन सी थी इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से पहले, ए से इंस्ट्रूमेंट हम ले गए सी पर, तो लास्ट रीडिंग कौन सी थी, वो थी सी जो देखा था हमने। तो ये क्या हो गई फोर्थ साइड, ठीक है। बैक साइड ये हो गई इसका नॉन आरएल है, लास्ट रीडिंग ये हो गई इंस्ट्रूमेंट ए पर था जब, फोर्थ साइड हो गई, और इससे पहले जो रीडिंग दी गई है वो हो गई इंटरमीडिएट साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को हम यहां ले आए उठा के डी पे, और डी से हमने पहले देखा सी को, सी को तो एक बार हम देख चुके हैं, अब डी से देख रहे हैं दोबारा, तो ये क्या हो जाएगी बैक साइड, और जरूरी नहीं रीडिंग सेम आए, ठीक है, ये हो जाएगी बैक साइड। और हम डी से देख रहे हैं फिर ई को, पर ई के बाद, ई को देखने के बाद हम सर्वेइंग खत्म कर रहे हैं, यानी कि ई पर जो देखा वो लास्ट रीडिंग है, तो ये क्या हो जाएगी लास्ट रीडिंग फोर बेरिंग फोर साइड। और पॉइंट हमारा ए क्या हो गया, जहां पे इंस्ट्रूमेंट है उसी को बोलेंगे सीपी चेंजिंग पॉइंट, और डी भी क्या है सीपी चेंजिंग पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट चेंज किया। तो इस डायग्राम में, इस लेवलिंग में आपके चार टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में होती है, बैक साइड फोर साइड इंटरमीडिएट साइड चेंजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये जो मैंने खड़े किए हुए हैं ये स्टाफ, ये इनके ऊपर रीडिंग्स होती हैं मीटर्स में सेंटीमीटर्स में, स्केल बना होता है, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, किसी को डाउट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो कोई डाउट, सर ये जो सीपी वाला, ये जो सी पॉइंट है ये बिफोर मतलब इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले का है ना? हाँ, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले लास्ट रीडिंग, इस रीडिंग में सी को देखने के बाद इंस्ट्रूमेंट उठा लिया हमने ऐसे, तो ये फोर साइड हो जाएगी, लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड, ठीक है। एक तो पूरे, एक तो लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, सर्वे पूरा खत्म हो गया तो लास्ट रीडिंग होगी वो फोर साइड होगी। एक लास्ट रीडिंग कौन सी होगी कि इंस्ट्रूमेंट उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं पर सर्वे खत्म नहीं हुआ, लेकिन जहां पे पहले रखा था वहां से जो रीडिंग लास्ट ली गई है वो हो गई, तो वो फोर्थ साइड हो गई। और जिस रीडिंग का नॉन आरएल है उसको दोबारा देख रहे हैं तो बैक साइड हो गई। अब सी पॉइंट जो है जहां पे स्टाफ रखा हुआ है, इसको हम ए पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद देख चुके हैं, अब फिर डी पे इंस्ट्रूमेंट रख के इसी को दोबारा देख रहे हैं तो ये बैक साइड हो गई, ठीक है। तो जब हम यहां से देख रहे थे ए पे इंस्ट्रूमेंट रख के सी को देख रहे थे, तब क्या थी ये फोर्थ साइड, ठीक है। यानी कि सी पॉइंट पर हमें दो चीजें मिलेंगी, फोर साइड में मिलेगी और बैक साइड में मिलेगी, और दोनों की रीडिंग अलग हो चुकी है, हो सकती है। हम देख रहे भले ही सी को है दोबारा से, लेकिन हो सकता है ना इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे डी पे जो रखा है वो अब कहीं डेप्थ में या हाइट पे रखा गया है, तो रीडिंग तो अलग नजर आएगी। तो याद रखना यहाँ पे देखो कितनी बैक साइड दिखाई देंगी, इस पूरे जो ड्रॉइंग बनी हुई है टू बैक साइड, फोर साइड कितनी है वो भी दो है, इंटरमीडिएट साइड एक है, चेंजिंग पॉइंट दो है, ठीक है। जहां पहली बार जहां इंस्ट्रूमेंट रखा वो भी चेंजिंग पॉइंट है, ठीक है। और ओ पॉइंट पे कितनी रीडिंग है, ओ पॉइंट पे एक ही रीडिंग है बैक साइड, एक रीडिंग। बी पॉइंट पे कितनी रीडिंग है, एक रीडिंग इंटरमीडिएट। सी पॉइंट पे कितनी रीडिंग है, दो रीडिंग, एक है बैक फोर साइड और एक है बैक साइड। ई पॉइंट पे कितनी रीडिंग है, एक रीडिंग फोर साइड। तो इसकी टेबल बनती है ए बी सी डी करके, फिर टेबल बनेगी बैक बेरिंग वो फोर्थ बेरिंग,
और बैक बेरिंग और इंटरमीडिएट, सॉरी बेरिंग बोल रहा हूँ मैं, साइड बोलते हैं इस केस में, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, इस तरह से रीडिंग लिखे जाते हैं, फिर उनको सॉल्व किया जाता है, सेम एज कंपास में एरर होते हैं, इसमें भी एरर आएंगे। अब किसी को डाउट? हाँ सर, अगर हम डी पॉइंट से डी को भी अगर हम एनालाइज करेंगे तो वो भी इसके लिए बैक साइड हो जाएगा उसके लिए, पहले इसकी हाइट पता। हाँ, अगर आप डी पे इंस्ट्रूमेंट रखा और दोबारा से आप सी को भी देख रहे हो, बी को भी देख रहे हो, ओ को भी देख रहे हो, तो वो सारी बैक साइड हो जाएंगी। और अब बी पे हमें क्या मिलेगी? एक इंटरमीडिएट साइड और एक बैक साइड। सी पे क्या मिलेगी? एक फोर्थ साइड, एक बैक साइड। ओ पे क्या मिलेगी? एक बैक साइड। ओ पे दो बैक साइड हो जाएंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जब हमने सी को दोबारा देखा तो जो बैक साइड मिलेगी वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा पक्का। जब हमने बी को दोबारा देखा डी से तो भी उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन जब हम उसको देखेंगे ना ओ को, हाँ ओ में भी फिर डिफरेंस ही होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उठा के रखा है तो उसका लेवल कहीं भी हो सकता है। तो हमारे पास तीन साइड हो जाएंगे, लेकिन सर्वे करने का तरीका नहीं है वो, तुमने पूछा तो ठीक है कि आपको डी पे रखने का, जितनी भी रीडिंग आप देख चुके हो पहले उनको दोबारा देखोगे सब बैक साइड हो जाएंगी, लेकिन नहीं, केवल जो लास्ट रीडिंग है उसी को देखते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए, जब तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी ना ट्रेवर्स की। इस तरह से करते हैं सर्वे। यस सर। और किसी का डाउट? नो सर। अभी कोई लीव मत करना, मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, अटेंडेंस आती नहीं है कभी कभी। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो नेटफ्लिक्स।